बच्चों जल्दी जल्दी नीचे आओ, डैडी कूप को डांटेंगे। वो पानी टॉयलेट में मेरी वजह से नहीं भरा, वो पिंग पॉन्ग बॉल्स मेरे नहीं है। बाथरूम में पानी भर गया? कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है, अब कुछ खास बात करें। बुट्सविल की परेड आने वाली है और ये साल मैं शहर की सबसे अच्छी और बेस्ट फ्लोट बनाने वाला हूँ। आराम से डैड। अगर मेरे फ्लोट की फोटो अखबार के पहले पन्ने पर छपी तो सब हाउस ऑफ स्वैप की ही बात करेंगे। कूप, तुम बड़े हो और थोड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो, तो मतलब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया, हम दोनों फ्लोट बनाएंगे। डैडी, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी हो, तुम मदद नहीं कर सकती, समझ गई मिली? हाँ हाँ ठीक है, तुम मेरी मदद कर सकती हो। ठीक है। इस साल की परेड का थीम है वे आउट आउट स्पेस, तो ये है हमारे भविष्य की योजना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो अपनी इस योजना पर काम करें। ठीक है, शायद ज्यादा काम करना होगा। हम ये कर दिखाएंगे डैड। सुनकर खुशी हुई कूप, क्योंकि हाउस ऑफ स्वैप कभी नहीं हारता है, क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है कूप। उन फूलों को और नजदीक लगा हम्फ्री। अरे स्पॉन्सर ना सीधा करो, इस बार बागीचे में इस तरह पुतलों को सजाओ कि पहला इनाम हम ही को मिले। हम ही जीतेंगे। हाय डेनिस, इस बार तुम्हारे डैड का इंटरनेट कैफे और छोटी सी रिपेयर की दुकान क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे? वैसे ये चूहे जैसी छोटी दिखने वाली गाड़ी काफी तेज है और अब तो ये ऑटोमेटिक भी है। खैर, क्या हाउस ऑफ स्वैप फ्लोट में मदद करना चाहोगे? मतलब सारे औजारों के साथ, मजा आएगा। तुम्हारे पास क्या है मिली? कॉस्मिक पॉपिंग कैंडी, थोड़ी चाहिए डैडी? नहीं, तुम खाओ, शुक्रिया। ये है एक UFO मंसन आंटी, मतलब एक अनजान फ्लोट। समझ गई? हाँ, तुम्हें लगता है इस कबाड़ की तस्वीर अखबार के पहले पन्ने में छपेगी? भूल जाओ, क्योंकि ये प्रतियोगिता जीतने के बाद मेरे पुतले की तस्वीर ही छपेगी। क्या इनके पुतले हमसे हमारा पहला पन्ना छीन सकते हैं? नहीं। तो फिर काम शुरू करें कल से। आइसक्रीम कौन खाएगा? मैं चाहिए। ये नॉन स्टिक पैन अचानक से चिपकने क्यों लगा? ये वाला भी अजीब है। इसे कहते हैं ऑमलेट। कूप, क्या तुम्हें पता है कि नॉनस्टिक पैन्स और फायर एक्सटिंग्विशर को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता डैड। डैडी, किसी ने मेरी पॉपिंग कैंडी ले ली। मेरी तरफ मत देखो, मुझे वो घटिया कैंडीज बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम अपनी फ्लोट पूरी नहीं कर पाएंगे। कूप ना सही, पर क्या मैं आपकी मदद करूं? तो चलो तुम लोग पेंट करना शुरू कर दो और मैं वाह,
इसका तो जवाब नहीं। हाँ सही कहा, कितना अच्छा कलर पेंट किया है इसके ऊपर। हे, किसने ये ट्रक खुला छोड़ दिया? बिल्ली, ये सब तुमने किया। अभी वहाँ से बाहर निकलो, भाग जाओ। बच्चों, अगर तुम लोगों ने मुझे खुश करने के लिए ये काम किया है तो मैं कहूँगा कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। शुक्रिया डैड। पर फिर भी तुम चीजें मेरी इजाजत के बिना नहीं लोगे। समझ गए डैड। समझ नहीं आता वो बिल्ला आखिर करना क्या चाहता है, पर हमें उसे इससे दूर रखना चाहिए, समझ गए? और इसके लिए हमें चाहिए डेनिस का सुरक्षा करने वाला सुरक्षा कवच, और ये है अलार्म। मगर हम भी निगरानी करेंगे ताकि बिल्ला डैड की इस उड़न तश्तरी का कुछ ना बिगाड़ सके। अच्छी तरकीब है। अब तक बिल्ले का कोई अता पता नहीं है। तैयार हो? जगह बदलो। डेनिस, देखो अलार्म बज रहा है। कूप, वो अलार्म तो इस पर से गायब हो गया है। तो फिर ये बच कहाँ रहा है? ये तो मेरी गाड़ी लगती है। उसने हमें उल्लू बनाया। उड़न तश्तरी पर चलो। सब कुछ तो ठीक लग रहा है। जल्दी करो बच्चों, इसके रजिस्ट्रेशन से पहले हमें इसे एक बार चला कर देखना चाहिए। लान देखो, बेवकूफों की टोली जा रही है। हाँ, अब हमें सबूत भी मिल गया कि अंतरिक्ष में बेवकूफ भी हैं। मुझे भी वो चाहिए। लगता है हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। तेज चला हम्फ्री, प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाने के लिए मुझे 2 बजे तक पार्क पहुंचना है। 2 बजे तक? हमें देर हो गई बच्चों, फ्लोट का ख्याल रखना, तब तक मैं और मिली जाकर पेट्रोल ले आते हैं। मैं डैडी की खास असिस्टेंट हूँ। TeamNetworkIndia.co.in। ये वाला हमारे प्यारे UFO के नाम और बूट्सवेल ब्यूगल के फ्रंट पेज पर आने के लिए भी। कूप, लगता है तुम्हारे डैड आ गए। हाँ, डैड तो नहीं चला रहे, वो तो बिल्ला है। इसे ऐसे ही रखना। तुम्हारी सवारी पूरी हुई बिल्ले। हम उड़ रहे हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ बिल्ले, अभी इसी वक्त इसे नीचे उतारो। मेरे होते हुए मेरे शहर पर कोई भी बिल्ला हमला नहीं कर सकता। चक्कर आ रहा है। हमें अपना फ्लोट रजिस्टर कराना है। पिछले साल से बेहतर फ्लोट है। मिस्टर कैट, तुम ठीक हो? को, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना। जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्या मुझे आने में देरी हो गई? मैं ये बकवास तो नहीं कर सकती, तुम जीते पर मैं तुम्हें अगले साल जरूर हराऊंगी।
ये तो हम बाद में देखेंगे। कुब, सबसे पहले हम इस फ्लोट को ठीक करेंगे। तुम जाओ जाकर टायर और जैक लेकर आओ, जल्दी करो। जरूर डैड। सबसे बेस्ट फ्लोट। इसे किसने बनाया? हाउस ऑफ स्वैप। अगर ये ऐसा फ्लोट बना सकता है तो इनके स्टोर में बहुत अच्छी चीजें होंगी। मछली वाले बिस्किट्स, ऊन का गोला और बहुत सारा सामान। कुब, मुझे नहीं लगता कि बिल्ला हमारे शहर पर हमला कर रहा था। लगता है वो उसके घर जा रहा था। वो जा कहीं भी रहता हो। मतलब मेरा उससे पीछा छूटने वाला था? नहीं। बच्चों चलो इस बर्फ पर पाइप से पानी फेंकें। बढ़िया, ये पानी जल्दी जम जाएगा और लंच तक हमारी आधी गेम भी हो जाएगी। मैं कल पूरी रात तक इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। ये मारा। क्या अपना मुंह बंद रखोगे? क्या बात है, गोल! बिल्ली, तुम्हारा मिस्टर कैट हमारा गेम बर्बाद कर रहा है। हे, मुझे बात करो, मुझे दो। ला ला ला, मैं स्केट कर रही हूँ। आ जाओ मिस्टर कैट, तुम भी मेरे साथ स्केट करो। मिस्टर कैट, मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज लाई हूँ, तुम्हारे अपने स्केट्स। हम करेंगे आइस डांस। ये बर्फ देखकर तो मेरे अंदर का सोया कलाकार भी जाग गया है। चलो चले मिस्टर कैट, अपना कमाल दिखाओ। तुम तो स्केटिंग के नाम पर एक धब्बा हो। तुम ये ना ही करो तो अच्छा है। हो गई टाई टाई फिश। गंदे लड़कों की बात मत सुनो, तुम बस अपना एक पंजा दूसरे पंजे के आगे रखते जाओ। ला 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 ला, हम स्केट कर रहे हैं, हम स्केट कर रहे हैं। डैड, क्या आप मिली और मिस्टर कैट को यहाँ से जाने के लिए कहेंगे? हमारे गेम का तीसरा और आखिरी राउंड चल रहा है। डैड, कूप आइस पर सुबह से है, अब मेरी बारी है। कूप, तुम सुबह से यहाँ बर्फ पर हो, अब मिली की बारी है। गेम रोक दी जाती है क्योंकि कूप कमजोर खिलाड़ी है। और तुम एकदम आसानी से हार मान लेते हो, कमजोर कहीं के। मुझे लगता है इसके लिए कोई दमदार चीज चाहिए। हे, कैट को क्या हुआ है? ये तो रोज से काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा है। शायद इसकी शैतानी फौज आई हुई है जो हमारे शहर पर कब्जा करने वाली है और ये हमारा खेल बिगाड़ देगा। हाँ, या फिर वो वहाँ कुछ छुपा रहा है। क्या तुम थक गए हो मिस्टर कैट? जो कुछ भी हो, उस तक पहुँचने के लिए उसे एक फुट आइस तोड़ना होगा। उसे एक सुपर लेजर की जरूरत पड़ेगी या फिर। तो ठीक है बच्चों, अब मैं पूरी फैमिली को काटने वाला हूँ। अब बर्फ की फैमिली को। और क्या, पीछे हट जाओ बच्चों। शायद कोई दूसरी आरी की जरूरत पड़ेगी।
लगता है बिल्ले ने वहाँ कुछ जरूरी चीज छुपाई है और उसके लिए जरूरी मतलब हमारे लिए खतरनाक। चुको, इतना छोटा हिस्सा छोड़ दीजिए डैड, कुछ बड़ा बनाइए। जैसे बड़ा? जैसे बर्फ का महल कैसा रहेगा? और उसके साथ एक बंद होने वाला पुल। हाँ, हमारे दुश्मनों को बाहर रखने के लिए। तुम्हारा प्लान हमेशा अच्छा लगता है। और इसे बनाने के लिए ये एकदम सही जगह है। तुमने सही कहा कूप, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ। हो गया बिल्कुल असली पर ठंडा कूप। डेनिस, अब अंदर चलकर हम चॉकलेट बनाते हैं। और मैं उसमें आपकी मदद करूंगी। बिल्ला बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। संभल कर, तुम गिर सकते हो। अच्छी कोशिश थी बिल्ले। जो भी तुमने वहाँ नीचे छुपा कर रखा है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम इसके नीचे नहीं जा सकते हो। हमने वो स्लाइड पूरा दिन पॉलिश की है, वो कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। इस महल का राजा कौन है? हम दोनों। हैया, ओ। और कितनी बार फिसलूंगा? हम इस बिल्ले को मजा चखाएंगे। हमला हो गया। ये भला क्या है? ये तो तिजोरी जैसा लग रहा है। मुझे तो लगता है बिल्ला इसी को ढूंढ रहा है। चलो इसे खोलते हैं। जब भी हम बात करते हैं इसमें अलार्म क्यों बजता है? ये लॉक बिल्ले की आवाज पहचान कर ही खुलेगा। डेनिस, तुम बिल्ले को किसी भी चीज से मारने की कोशिश करो। मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। एक बिल्ला कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है? ओ, म्याऊ। ये थोड़ी सी तुम्हारे मुंह पर। मजा आ गया। कूप, तुम्हें देखना चाहिए था मैंने बिल्ले का मुकाबला किस तरह किया। मैंने उसे बर्फ से मारा और मैंने उसका ध्यान बटाओ। डेनिस, मुझे एक तरकीब सूझी है। तुमने आज गलत बच्चे से पंगा लिया है बिल्ले। मेरी मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। है ये। ओ, हाँ? प्यारा बिल्ला। डेनिस, जल्दी से उसे पकड़ो। लॉक खुल गया। ध्यान से देखो, बिल्ला इस जगह की निगरानी कर रहा था, मतलब यहाँ कुछ खतरनाक हो सकता है। जैसे बहुत सारे जहरीले सांप या फिर बहुत बड़ी ऑटोमेटिक लेजर गन जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। ओह, इन सब के अंदर क्या है? मछली वाले बिस्किट्स। यहाँ तो बिस्किट के करोड़ों बॉक्स हैं। तुम्हें इसे ले जाने के लिए बड़े ट्रक की जरूरत पड़ेगी। बिल्ला अकेला इतने बिस्किट्स नहीं खा सकता। जरूर वो इसे अपने आर्मी को खिलाएगा। हमें वो गार्डन पाइप लाकर इस तिजोरी पर आइस जमानी होगी। मैं तैयार हूँ। वो आजाद हो गया। जल्दी स्लाइड की तरफ। य
ये लो अदरक के 12 खिलाड़ी एक हॉकी गेम के लिए काफी होंगे। इस वाली को मैं कूप की तरह बनाऊंगी। चलो निकलो डेनिस, यहाँ बहुत बर्फ है, ये जगह गिरने वाली है। किसे चाहिए ये अदरक वाली ब्रेड? मिस्टर कैट, तुम्हें गर्मा गर्म पानी से नहलाऊंगी तो ठीक हो जाओगे। बहुत बुरा हुआ, वो सबसे अच्छा बर्फ का महल था। तो क्या हुआ, हमारे पास सबसे अच्छा चमकने वाला लेजर ब्लेड है। या। ओ, ये तो टूटा हुआ लगता है। और ये टूटा हुआ ही रहा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा।